Hello students, today we are going to start again the class 11th physics and the unit physical world and measurement. पहले भी हमने physical world and measurement पे बातें करी हैं, हमने different different physical quantities देखी हैं, जिसमें हमने basic और fundamental quantities की बात करी है, derived physical quantities की बात करी है, उसके बाद हमने unit और dimensional formula भी लिखे हैं different different physical quantities के लिए. अगर students आप लोगों ने वो मेरे लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो आप प्लीज उन लेक्चर्स को ध्यान से सुने, क्योंकि जब तक आपको डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट्स लिखने नहीं आते तब तक आप इस यूनिट में परफेक्ट नहीं हो सकते. एंड और यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बहुत ही इजी है. अगर आप एक बार मेरे लास्ट वीडियोज को ध्यान से देखें तो आपको यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना प्लस उनपे परफॉर्म करना सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा. और उसके बाद जैसे ही आप यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला पे आओगे वैसे ही आपको लगेगा कि यार ये चैप्टर तो कितना इजी है. ठीक है, उसके बाद आज जिन बातों में मैं चल रहा हूं दीज थिंग्स आर वेरी इजी. ठीक है, आप बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हो इन आर्टिकल्स पे, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है स्टूडेंट्स. ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से सुने. और फिर मेरा बेसिक टारगेट क्या है, इन पे न्यूमेरिकल्स को कवर करना, कि आप न्यूमेरिकल पे कैसे पकड़ बना सकते हो, ये चीज आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंस रखेगी. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आर आर्टिकल. आर आर्टिकल टुडे इज प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. वी हैव ए फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट एरर इन सम. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. First is error in sum. Let us consider x is equal to a plus b. हमारे पास एक physical quantity है and that is the sum of two different physical quantities a and b. Let us consider कि delta a be the absolute error in a, delta b is absolute error in b and delta x is absolute error in x. Students, अब जो एरर है वो एड भी हो सकता है और सबट्रैक्ट भी हो सकता है, यानी कि एरर कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड. यानी कि यहां पे जो एरर आई है एक्स में, डेल्टा एक्स कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड, सो आई यूज प्लस माइनस. सिमिलरली ए में जो एरर थी वो थी डेल्टा ए, देन आई यूज प्लस माइनस डेल्टा ए. सिमिलरली फॉर बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी. ठीक है, यहां से बी को बाहर ले आइए तो ए प्लस बी आपके पास अलग रह जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. अब आपको पता है स्टूडेंट्स, आप मान के चले हो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहां पे ए प्लस बी की वैल्यू आपने ये पुट कर दी, दैट इज एक्स. अब एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसल हो गया, कैंसल आउट. आपके पास बचा प्लस माइनस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. यानी कि एक्स में जो एरर है वो एरर कैसी हो सकती है, पहले इसमें प्लस प्लस लगा लो, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. अब इसमें माइनस, एक में माइनस, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ठीक है, अब प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ऑल दीज मे बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स. सो डेल्टा एक्स इज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन एक्स. डेल्टा का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट एरर है वो. एब्सोल्यूट एरर किसमें, एक्स, दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन ए और प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी. यानी कि आप बोल सकते हो कि सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ये सम है दोनों का. ठीक है, और ये एब्सोल्यूट एरर है, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है ए और बी, इंडिविजुअल क्वांटिटीज, यू कैन से फ्रॉम हियर दिस थिंग. स्टूडेंट्स, ये बातें जो मैं यहां पे बोल रहा हूं ये बहुत इजी चीजें हैं आपके लिए. क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं सीबीएसई लेवल में अब तक, उनके लिए सबसे इजी थिंग जो है वो एरर ऑफ मेजरमेंट है. लेकिन हाँ, आप यहां परफॉर्म करें, यहां का आर्टिकल 100% श्योर है एरर ऑफ मेजरमेंट में प्रोपगेशन वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा. ठीक है, चलो हम आगे मूव करते हैं. एरर इन डिफरेंस, लेट अस कंसीडर ए फिजिकल क्वांटिटी एक्स
that is met by the difference of two any other physical quantities, say A and B. So let x is equal to A minus B. X is equal to A minus B. Now let us consider delta x is absolute error in x, delta A absolute error in A, delta B absolute. Same procedure, students, we have to follow here. जो हमने एडिशन में किया था वही आप सब्ट्रैक्शन में कर रहे हैं और वही रिजल्ट आया. सबसे बड़ी बात है रिजल्ट्स आर सेम. ठीक है, अब देखो, अब आप मान लो कि आपने क्या कहा कि डेल्टा एक्स जो है वो एब्सोल्यूट एरर है एक्स में, तो एक्स प्लस माइनस हो जाएगा डेल्टा एक्स. ए में एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी. यहां से भी a माइनस बी बाहर निकालो, इसको x के साथ कैंसिल करो, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. अब देखो यहां पे एक बात थी, जब मैं माइनस को अंदर लेके जा रहा था तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस बन रहा था ना. ये देखो यहां पे लिखा भी है मैंने माइनस प्लस, बात हुई थी ना प्लस या माइनस, है ना, तो मैंने आगे सीधा लिख दिया. तो यानी कि यहां पे डिफरेंस और सम दोनों में रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है. स्टूडेंट्स टेक ए स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट वी हैव एरर इन प्रोडक्ट. लेट अस कंसीडर ए फिजिकल क्वांटिटी एक्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ टू ए एंड बी, से दिस इज इक्वेशन नंबर वन. लेट एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी. That x is equal to a into b. अब वही बात है कि आप मान लीजिए let delta x is absolute error in x, delta a is absolute error in a, and delta b is absolute error in b. Students, this is very easy. And you can perform easily on this article. Okay, now what I have to do, ki x mein absolute error hai delta x, then I can write x as x plus minus delta x, which is equal to a mein error hai delta a plus minus delta a multiplied by b plus minus that of delta b. अब देखिए सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपको यहां पे सॉल्व करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है ये स्टूडेंट्स. तो आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन में ए को मल्टीप्लाई करिए इसके साथ. अब सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करने से पहले मैं क्या करता हूं कि ए यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, और यहां से मैं बी कॉमन ले लेता हूं, वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाय. स्टूडेंट्स मेरा जो टारगेट है वो a इंटू बी को बाहर निकालना है, ताकि मैं a इंटू बी बोथ साइड क्या कर सकूं, इनको कैंसल आउट कर सकूं. ठीक है, यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x आएगा. ठीक है, तो x इज इक्वल टू a इंटू बी है आपने ही माना है, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x that is equivalent to a into b, or 1 plus minus delta a upon a multiplied by 1 plus minus delta b upon b. A b is cancelled out with a b, so 1 plus minus delta x upon x that is equivalent to 1 plus minus delta a upon a. Okay, I have multiplied with 1 this term. Now, plus minus delta b upon b plus minus delta a into delta b divided by a into b. अब students, अब देखिए आप ध्यान से, 1 से 1 cancel out हो जाता है, और delta a into delta b, ये दो स्मॉल स्मॉल टर्म्स हैं, दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हुई और दो बिगर टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हुई, तो यानी कि इनका जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टेड. तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स दैट कम्स आउट टू बी
plus minus delta A divided by A और plus minus delta B divided by B। यानी कि आप जब डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट को जब हम मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? रिलेटिव एरर आता है, या फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं आप इसको। दैट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस इज टेकन आउटसाइड। दिस इज The maximum relative error in x is equal to maximum relative error in a or maximum relative error in b. Maximum relative error in b. अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो error in division हमारे पास आता है। तो division के साथ कैसे deal करेंगे हम लोग? Students, ये जो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये numerically कैसे use होती हैं, आप इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान रखें। चलो मैं आपको एक एरिया का न्यूमेरिकल करवाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एरर इन प्रोडक्ट एंड आई हैव टेकन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5.7। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है। इसकी लेंथ है 5.7 प्लस माइनस, इसमें एरर है प्लस माइनस 0.1 और उसकी ब्रेथ है 3.7 4 0.2 सेंटीमीटर। दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट। वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया विद एरर लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया, एक्चुअल एरिया। दैट एरिया इज 5.7, ये तो एरर है ना उसमें, हां जी, मल्टीप्लाइड बाई 3.4। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपके पास एरिया है, आपने एरिया निकाल दिया। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो क्वांटिटी x इज इक्वल टू, यहां पे कितना था, x इज इक्वल टू a इंटू b था, तो यहां पे एरिया इज इक्वल टू किसके है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। यही बात है ना भाई? तो अब आप इसके साथ कैसे डील करेंगे? इस फैशन में, इसी तरीके से। मतलब आपके पास डेल्टा ए डिवाइड बाय एरिया ए विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा, पहला है लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, प्लस उसके बाद ब्रेथ डेल्टा बी बाय बी। आप इस तरह से काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो डेल्टा ए वी हैव टू कैलकुलेट। देन डेल्टा ए डिवाइड बाय एक्चुअल एरिया इज 19.38 इज इक्वल टू प्लस माइनस मैं मेंशन बाद में कर दूंगा, लास्ट में कर दूंगा। और डेल्टा एल कितना है जी? 0.1। ओरिजिनल लेंथ कितनी है भाई? 5.7 प्लस डेल्टा बी 0.2 डिवाइड बाय 3.4। ओके, आप इनको सॉल्व कीजिए। डेल्टा ए इज इक्वल टू आपके पास 0.1 डिवाइड बाय 5.7 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 3.4 और मल्टीप्लाई कर लीजिए 19.38 से। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1.48। तो डेल्टा ए आपके पास आ गया प्लस माइनस 1.48। राउंड ऑफ वैल्यू ले लीजिए आप, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.5 ले लिया। तो अब आपके पास जो एक्चुअल जो एरिया रहेगा वो एरिया आपका कितना बनेगा? एरिया इज इक्वल टू, पहले आपके पास कितना था? 19.38 था, तो उसमें प्लस माइनस 1.5 ऐड कर दीजिए, या 19 राउंड ऑफ ले लीजिए, 19.0 प्लस माइनस 1.5 राउंड ऑफ वैल्यू लिए स्टूडेंट्स। मैंने ध्यान रखना ये बात, ठीक है, ये बात ये ध्यान रखना, मैंने 19 वैल्यू ली है, राउंड ऑफ वैल्यू ली है। कहीं आप सोचो कि 19.0 लिख दिया सर आपने, वो 0.38 कहां खा गए? मैंने राउंड ऑफ वैल्यू उसकी ले ली 19, ठीक है 19, और प्लस माइनस जो एरर आई थी उसको मैंने ऐड कर दिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस तरह से हम न्यूमेरिकल परफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये मेरा एक वे था जिसमें मेरा जो पर्पस था वो ये बताना था कि किस तरह से हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। दैट नेक्स्ट आर्टिकल इज एरर इन डिवीजन। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट एरर इन डिवीजन। लेट अस कंसीडर ए फिजिकल क्वांटिटी सेम लेट एक्स दैट इज इक्विवेलेंट टू ए बाय बी and same thing we will write कि delta x be the absolute error in x, delta a be the absolute error in a, delta b be the absolute error in b. So that becomes x plus minus delta x which is equal to a plus minus delta a divided by b plus minus delta b. Students take x outside. 1 plus minus delta x upon x. Now x is equal to a by b now. Then take a common. So 1 plus minus delta a upon a divided by b 1 plus minus delta b by b. Okay. Now this comes out to be a by b is outside. And that is 1 plus minus delta A by A or 1 plus minus delta B by B. यहां power था 1, ऊपर आएगा power हो जाएगा minus 1. Okay. Now x is equal to A by B, then A by B or 1 plus minus delta X by X. Then A by B is cancel out with A by B. Now we have the term, that term is 1 plus minus delta X by X which is equal to 1 plus minus delta A by A. Although this term is solved with the help of binomial expansion, but here I will explain a trick with the help of that you can solve easily this expression. और आप एक बात याद रखिए कि जब आपके पास फिजिक्स में ऐसे कहीं पे भी डाउट आते हैं, जैसे पावर आपके पास माइनस है, फर्स्ट टर्म आपकी यूनिट है, तो सेकंड टर्म के साथ पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और वहां लिख दीजिए कि हायर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको एक्सपेंडिंग बायनोमियली अगर एक्सपेंड करता हूं तो वन एज इट इज, इस पावर को मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस डेल्टा बी बाय बी। अब स्टूडेंट सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना और सॉल्व कर लेना आपको फटाफट। ओके, देन 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स दैट बिकम्स इक्विवेलेंट टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी है ना, कोई बात नहीं, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाय A into B. जैसा आपने पीछे वर्क किया था वैसा ही वर्क आपको यहां पे परफॉर्म करना है। इसको आप क्या कर किया था पिछली बार नेगलेक्ट, तो अब भी नेगलेक्ट करेंगे आप, करेंगे ओके। वन से वन कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स दैट इज इक्वलेंट टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। यानी कि जब आपको रिलेटिव एरर निकालनी हो किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी में तो वो आपके पास रहेगी डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। बाहर क्या रहेगा इनके, प्लस माइनस बाहर रहेगा, प्लस माइनस। ठीक है, दिस इज द फाइनल रिलेशन। अब हम इस रिलेशन को भी कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, किसी भी रिलेशन को कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है उसे अप्लाई करना। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन के लिए क्यों ना हमें एक न्यूमेरिकल लिया जाए। चलो लेते हैं एक न्यूमेरिकल लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वन न्यूमेरिकल इज गिवन, द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वेयर वी इज 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, आई इज 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड परसेंटेज एरर इन आर, फाइंड परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर आपको निकालना है। ठीक है, परसेंटेज एरर आपको कैलकुलेट करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरे को गिवन है v, तो v अपॉन i इज इक्वल टू r निकाल लूंगा मैं, r इज इक्वल टू v अपॉन i। ठीक है, तो v है मेरे पास 100 डिवाइड बाय, i है मेरा 10, दिस इज 10 ओम, r की वैल्यू मेरे पास आ गई 10।
अब मेरे को क्या चाहिए कि R is equal to V upon I, जैसे कि यहां पे X is equal to A by B था, X is equal to A by B था, तो आपके पास ये रिजल्ट बन गया, तो डेल्टा X upon X बना, तो यहां पे डेल्टा R divide by R that is equivalent to plus minus डेल्टा A, डेल्टा A की जगह पे मेरे पास है V और I है ना, तो डेल्टा V upon V प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, ओके ओके, तो डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू हमने निकाली है 10, दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस डेल्टा वी कितना है भाई हमारा, डेल्टा वी है 5, वी कितना है 100, प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2 और वो कितना है 10, ओके, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस 5/100 प्लस पॉइंट हटा दो 2/100, 5 + 2, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/100, तो डेल्टा आर 5 + 2 7 ना, हाँ, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/10, दिस इज प्लस माइनस 0.7। अब डेल्टा आर डिवाइड बाय आर को 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा, आ जाएगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो डेल्टा आर बाय आर, ये आर की वैल्यू तो है 10, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/100 इंटू 100, तो ये आपके पास आ गया प्लस माइनस 7%, दिस इज परसेंटेज एरर, ठीक है, दिस इज परसेंटेज एरर, यानी कि आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स के लिए, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एरर इन कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने पढ़ा एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन, एंड हाउ वी कैन अप्लाई दीज थिंग्स ऑन न्यूमेरिकल बेसिस, तो ये आज हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।